हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है द डॉग्स पीडिया। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप एक प्योर लैब्राडोर ब्रीड को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बारे में जानने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लैब्राडोर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है और हर कोई इन्हें एज अ पेट अपने घर पर रखना चाहता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता असली लैब्राडोर पपीज़ होते कैसे हैं। इसलिए कुछ ब्रीडर आपको मिक्स लैब्राडोर पपीज़ भी बेच सकते हैं, जिसके बारे में आपको शायद ना पता हो। अगर आपको लैब्राडोर पपी लेना है तो किसी अच्छे ब्रीडर के पास जाए। लैब्राडोर पपी लेते वक्त उनके पेपर्स ज़रूर चेक करें और देखें वो रजिस्टर है या नहीं। अगर हो सके तो उन पपीज़ के पेरेंट को या फिर उनकी मदर को मिलने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो असली लैब्राडोर है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो लैब्राडोर पपी आप ले रहे हैं वो प्योर है या नहीं। लैब्राडोर पपी लेते वक्त आप सबसे पहले इनकी टेल चेक करिए। इनकी टेल कहीं से भी कर्व नहीं होती है और कहीं से भी मोड़ी हुई नहीं होती है। ये एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। आप जो पपी ले रहे हैं अगर उसकी टेल ऊपर की साइड मुड़ी हुई है तो वो प्योर लैब्राडोर ब्रीड नहीं है। लैब्राडोर पपी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरा तरीका है इनका कोट कलर। लैब्राडोर तीन कोट कलर में आते हैं, वो है ब्लैक, चॉकलेट और येलो। और ये तीनों कलर के अलग अलग शेड में भी आते हैं। जैसे ब्लैक थोड़ा लाइट हो सकता है, चॉकलेट थोड़ा डार्क हो सकता है और येलो थोड़ा लाइट हो सकता है, जिससे वो ऑफ वाइट के शेड में आते हैं। और इन तीन कोट कलर में ही आते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि इनके कोट में कोई निशान नहीं होना चाहिए, जैसे कि येलो के ऊपर कोई ब्लैक या फिर कोई ब्लैक के ऊपर वाइट। कभी कभार इनके टोत भी वाइट होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये प्योर लैब्राडोर ब्रीड नहीं है। जो प्योर लैब्राडोर होते हैं उनका कोट कलर ईयर और चेस्ट के पास थोड़ा लाइट और डार्क हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से कोट कलर चेंज नहीं होता है। इनको आइडेंटिफाई करने का तीसरा तरीका है इनके ईयर्स। लैब्राडोर के ईयर्स उनके हेड के साथ चिपके हुए होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं। ये कहीं से भी उठे हुए नहीं होते हैं और मुड़े हुए नहीं होते हैं। ये पूरे एक फेस के साथ चिपके हुए होते हैं। चौथा तरीका है इनका कोट। लैब्राडोर पपी लेने से पहले आप इनका कोट ज़रूर चेक करिए। इनका कोट बहुत ही शाइनी और स्मूथ होता है, जिससे आपको पता लग सकता है कि ये प्योर लैब्राडोर है। लैब्राडोर को आइडेंटिफाई करने का फिफ्थ तरीका है इनके चीक्स। इनके चीक्स थोड़े ढीले होते हैं और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। किसी के भी लैब्राडोर के चीक्स टाइट नहीं होते हैं। एक हेल्दी लैब्राडोर पप्पी लेने के लिए आप सबसे पहले चेक करिए कि वो एक्टिव है या नहीं, और आप ये चेक भी करिए कि वो ज़्यादा लेजी ना हो। लैब्राडोर पप्पी लेने से पहले हो सके कि आप इस बात को भी चेक करिए इनकी मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि कोई आई प्रॉब्लम। ऐसा होने पर शायद उस पपी में भी कोई फॉल्ट हो सकता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताएं कि और कौन से नेक्स्ट ब्रीड डॉग ब्रीड के बारे में आप मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।